को आजकल कहीं बैराग मौसम वाला होगो। एक गांव में एक आदमी रहे तो जिन्हों नाम हो हर को और हर के रे बेटा किता हाथ। अब देखो कलयुग में हाथ बेटा हो जावे, महंगाई रो जमानो, नोटबंदी और लागू होगी, टाबरों ने पालना बड़ा दोरा। हर को मन में विचार करियो, दो चार साल तो कंटिन्यू जमानो होतो रियो तो घरे धान घणाई हुए जिमाओ ने कमी राखी कोनी, पचे तीन सा चार साल कंटिन्यू काल पड़ियो। हर को मन में विचार करियो, मामलो गड़बड़ उगो, टाबर हाथ उगानी और मोटा करना दोरा होगा। हर को यूं करियो, तीन साल कंटिन्यू काल पड़ियो, जन काई करियो, छह महीना तक बाल नहीं कटाया, जन जटा बदगी लंबी लंबी और दाढ़ी आएगी हाड़ी छह फुट नीचे, भगवा पहन लिया चोला और काल का एक्सप्रेस पकड़ी और सीधो गयो प्रो हरिद्वार, हरिद्वार हरी पेड़ी माते जाए और बैठो बैठो राम राम करे। लारे टावरिया बाहर जो है, पापा आइन बाटियो लाई, पापा आइन बाटियो लाई, पापा रा पता ही नहीं। साल दो साल होगा हर को पाचो गांव में आयोजनी। एक दिन कोई गांव में आदमी कोई गुजर गो तो बीरा बेटा बीरी अर्थिया ले हरिद्वार गया। जो ही गांव रे आदमी ने हर को आवता देखिया, मन में विचार करियो, आदमी तो अपर गांव रो टाबरा हालचाल तो पूछा, नेड़ो जार क्यों भाई साहब मने जानो। वो गांव रो आदमी के थाने तो नहीं जाना, अरे थे मने जानो को नहीं, हावर देखो मैं थोरे गांव रो हर को। वो गांव रो आदमी के हर को जी थे अटकाई करो टाबर तो हिरकियो में तारा गिने। हर को के अरे मैं तो साधु बन को जोग धारण कर लिया, पण थे यूं बताओ गांव रा हालचाल की कर है। गांव रो आदमी के गांव रा हालचाल कहीं हमके जमानो घणी हुई मूंग घणी हुई। अरे मारे मूंग किता गोया के 20-25 क्विंटल मूंग हुआ। हर को क्यों मामलो गड़बड़ होगो, साधु बनते घर में जमानो होगो क्यों, ओ साधु पणो काटनो दोरो। हर को के गांव जाओ जन मारे पिंटियार बाई ने मारा समाचार दे जो के कहीं देवो के हर को बैठो हर की पेड़ी हरीरा गुण गावे। कहीं क्यों हर को बैठो हरी पेड़ी और हरीरा गुण गावे और अम के जमाना हो तो जेठ महीना पहला पाचो घर आवे तैयारी कर दे जो, चिंता मत कर। मोटा तो मोटा ए छोटो छोटा टावर भी फोटो खींचना शुरू कर दिया। अब यो पूछो धोने नूतन जीव कहीं लड़ देना। लेकिन आजकल टावर बड़ा होशियार, इंटरनेट रो जमानो है। एक दिन एक छोरो अपनी माता जी रहते दूजे गांव जाओ तो रेलवे स्टेशन में जान के बाबू जी टिकट दो। बाबू जी पूछो कितना टिकट, छोरो मारवाड़ रो गड्डे टिकट। बाबू जी उत्तर प्रदेश में आया ठा पड़ियो को डेड रो मतलब वह कहीं। बाबू जी के टिकट कितने देने हैं, छोरो के एक तो हाफतो ने एक आदो। अब हाफता रो मतलब कहीं वे पूरो मारवाड़ी भाषा है, एक तो हाफतो और एक आदो। डेड टिकट छोरे ने पकड़ाया, छोरो टिकट में जेब में गाल रेल में जार बैठ को। एक बाबू जी आया काले कोट वाला, आते ही पूछो भाई टिकट बता। छोरो के आभार बताऊं क्योंकि मारवाड़ रे आदमी के टिकट जेब में वे तो पचे सीनो डबल हो जावे चोड़ो। क्या बार बताऊं छोरो डेट टिकट निकाल मत बतायो। पीटी के वो टिकट चाले को नहीं, क्यों कि मारी रेल में डेट टिकट की कर लायो। छोरो के एक टिकट माता जी रो आधो टिकट मारो बोलो। बाबू जी के थारे मुंडे माते छोटी छोटी मुछा डाडी आउन लागी, मारी रेल रो नियम है जिन्हें मुछा डाडी आ जावे उन्हों पूरो टिकट लागिया करे और जिन्हें डाडी मुछा नहीं वे उन्हों आधो टिकट लागे। छोरो मारवाड़ रो मारवाड़ में कठारो जोधपुर रो। छोरो पाचो जवाब दियो बाबूजी और डेट टिकट इवास्ते है कि एक टिकट तो मारो और आधो टिकट मारी माता जी रो क्योंकि मारी माता जी ने डाडी मुचा कोनी, चिंता मत करो थे। आप जरूर प्रस्तुत कर जो तो वह एक छोटी सी बात आप रे बीच में रखू। एक गणित रार अंग्रेजी रे मार साबरो मकान कने कने, गणित रे मार साबरी लुगाई और अंग्रेजी रे मार साबरी लुगाई आपस में बात करे क्योंकि लुगाया दो भेड़ी उजावे नी तो पचे मोरो मुंडो तो चुप रहे कोनी। तो गणित आला मार साबरी लुगाई और अंग्रेजी रे मार साबरी लुगाई आपस में बातां करे। अंग्रेजी रे मार साबरी लुगाई के मारा पतिदेव घरे आवे उन टाइम हम अंग्रेजी में बातां करे। गणित रा मार साबरी लुगाई मन में विचार करियो, यारा पतिदेव अंग्रेजी पढ़ावे अंग्रेजी में बातां करे, मारो घरो धनी गणित पढ़ावे गणित में बातां क्यों नहीं करे। घर जा रिसानो कर बैठगी, जिन टाइम गणित रा मार साहब सामरा घरे आवे तो लुगाई बोले कोनी। पूछियो धनियाणी हुयो कहीं क्या, मैं थासू बात नहीं करूं। अरे बात तो बता के जट तक थे माऊ गणित में बात नहीं करो, थाऊ बात नहीं करूं। अब गणित रा मार सा मन में विचार करियो, हिंदी भाषा है अंग्रेजी भाषा है संस्कृत भाषा है मारवाड़ी भाषा है, गणित केड़ी भाषा है। गणित में जोड़ बाकी गुणा बाग तो वे जावे लेकिन गणित में बातां की करवे।
तो आपरे रूसियोड़ी लुगाई ने मनाउन वास्ते गणितरा मार साहब गणित में लुगाई री परिभाषा की कर लिखे आपने लागे की मारी बात में सच्चाई तो तालियां बजाई जो नहीं मत बजाई जो गणितरा मार साहब कहीं लिखे देखो हो मारी गुणन खंडरी नार गुणन खंड जिसके और टुकड़े नहीं कर सको और पत्नी इतना पेचीदा विषय है कि उसको गुणन खंड से बड़ी संख्या दे ही नहीं सकते क्योंकि उस तक कोई पार पहुंच ही नहीं पाया ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहुंच पाया तो अपर तो औकादी कहीं है तो कहीं लिखियो हो मारी गुणन खंडरी नार काल जो मत बाल समझाऊं थाने बार हजार काल जो मत बाल अरे जामेट्री तू बनी जामेट्री इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या लिखा अरे जामेट्री तू बनी अरे मारा छोरा चंदा परकार काल जो मत बाल मारी गुणन खंडरी नार काल जो मत बाल और आगे कहीं लिखियो अरे दस मलव सी आख्या थारी आंखें कैसी है दो बिंदी जिसे गणित में बोलते हैं दशमलव क्या लिखा दशमलव सी आंख्या थारी न्यून कोण सा कान न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा तो कान कैसे न्यून कोण जैसे अरे दशमलव सी आंख्या थारी न्यून कोण सा कान अरे त्रिभुज जेड़ो नाक अरे नाकरी नथ ने त्रिज्या जान काल जो मत बाल मारी गुणन खंडरी नार काल जो मत बाले और आगे का लिखियो अरे वक्र रेखा सी पलका पलकें कैसी वक्र रेखा गणित में एक तो होती सीधी रेखा जिसे बोलते हैं सरल रेखा और एक होती आडी तिरछी रेखा जिसे क्या बोलते हैं वक्र रेखा तो क्या लिखा अरे वक्र रेखा सी पलका सरल भिन्न सादात दांत कैसे सरल बिन ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली बड़ी यानी ऊपर वाले दांत छोटे और नीचे वाले बड़े क्या लिखा वक्र रेखा सी पलका सरल बिन सादात और गणित में तीन कोष्टक होते हैं एक बड़ा कोष्टक एक छोटा कोष्टक एक मंजला कोष्टक मंजला कोष्टक की आकृति कैसे बनती है अरे वक्र रेखा सी पलका सरल बिन सादात अरे मंजला कोष्टक सा होटा पर अरे टप 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 के लार काल जो मत बाल मारी गुणन खंडरी नार काल जो मत बाले और उसके बाद क्या लिखा अरे आयत जेड़ी चोड़ी काया आमने सामने की भुजाएं बराबर आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो क्या लिखा आयत जेड़ी चोड़ी काया जाने निहानी लाभ लुगाई कदी घरो नफो नुकसान नहीं देखे पड़ोसी और घर में कोई नई डिजाइन रो कपड़ो आयो तो आप लावनो जरूरी भली पेटियों भरियोड़ी हीड़े अपन की मतलब कोनी नई डिजाइन रो कपड़ो कौन सो रसगुल्ला आजकल एक डिजाइन चली रसगुल्ला डिजाइन पड़ोसियों उठा आई को अपर लावनो जरूरी जन काई लिखियो आई तिजेड़ी चोड़ी काया जाने निहानी लाप अरे तू लसे पे मैं मसप पति कहता है तू लघुतम समापवर्तक मैं महतम समापवर्तक तू लसे पे मैं मसप और ऊपरे घन गनाब काल जो मत बाल मारी गुणन खंडरी नार अरे काले जो मत बाले और सबसे अंत में जो लिखा वो सच्चाई है सभी लोग भोग रहे हैं लेकिन मारवाड़ में घर में धमेड़ा है लेकिन बारे आन कोई नहीं कहे क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है घर ही माने डाकन कुन के तो सबसे अंत में क्या लिखा पति लिखता है पत्नी के बारे में कि थारे मारे गुणासु फूट्यो मारो भाग कहीं लिखियो थारे मारे गुणासु फूट्यो मारो भाग अरे आरोही अवरोही हो गयो आदमी रो जर तक ब्याव नहीं वेनी जर तक घर आंगन गांव गणी में सीनो तानन चाले क्योंकि कोई टेंशन नहीं और ब्याह होता ही मुंडो हो जा नीचो क्यों घर जाओ तो लिस्ट तैयार है फेयर एंड लवली लावनी फेस वॉश लावनो दस्तरेरी डिजाइन भी आजकल तिलक छापा आएगा तो आदमी रो मां तो ऊंचो वही को नहीं जन के आरोही अवरोही बन गयो और जग में आवे माने लाज काल जो मत बाले मारी गुणन खंडरी नार काल जो अब थे चाय भी कलयुग में बहुत सुंदर तरीके से आज कोई आदमी मने पूछो आजकल महाराणा प्रताप और वीर तेजाजी जड़ा पुरुष पैदा क्यों नहीं हुए आज भी महाराणा प्रताप और तेजाजी जड़ा युग वीर पुरुष होना चाहिए लेकिन खान पान बदल गो पुराने टाइम में जिमन काई के छाछ राबड़ी पीवता उन दिन बढ़तो मान अरे उन दिन सूरा जन्मता सूर वीर बलवान धर्मरी रक्षा करता और दुश्मन ने ललकार आपरे तब सुन लड़ता आजकल कोई पने पड़ी के चाय माता छत्रपति थने देखन तो जियो अरे घरे तो हाथ नहीं आवे जागरण में जान तो पीवो और चाय रे कारण बकरी बांधी भैंसने मारो भूको अरे सकर तो हाथ नहीं आवे पता सा नौकनी ढूको ऊपर चाटी देख ची
नीचे दियो ताप, आड़ पाड़ छोरा चोरी ने बीच में बैठो बाप, अरे खुद तो पिए भर भर ताला और टाबरियों नहीं पावे छोटो, गर्मो लक्ष्मी बोली थारी मारे कहीं अगले जन्म रो ऑटो, एक लोई गीटे मन छोटो ही नहीं पावे, तो चाहे